Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनागाह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आवाम को डरने की जरूरत नहीं। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर की कौमी असेंबली की दिफाई कमेटी में गुफ्तगू। कहा सियासी रहनुमा जज्बाती बयानबाजी से गुरेज करें। दाइश के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका एक हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी जारी। रखाइन में 30,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान फंस गए। खाने पीने की अशिया और अद्वियात नापैद। बांग्लादेश की सरहद पर पहुंचने वाले भी बेयारो मददगार। आंग सान सूची से अम का नोबेल इनाम वापस लेने के लिए मुहिम तेज। ऑनलाइन पिटिशन पर 3,500 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। बर्मा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के डायरेक्टर कहते हैं आंग सान सूची ताकतवर हैं, लेकिन वो उन मजालिम के खिलाफ कुछ नहीं कह रही। ये मसला सिर्फ एक हुक्म से खत्म हो सकता है। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म नामंजूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलूमों से यकजहती के लिए रैलियां। आलमी बरादरी से कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा। सेनेट में तहरीके इल्तवा। कौमी पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में भी करारदादें जमा। म्यांमार में मनसूबाबंदी के तहत रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। मसला हल करने के लिए आलमी बिरादरी म्यांमार हुकूमत पर दबाव डाले। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। सिराजुल हक ने कहा इस्लामी ममालिक म्यांमार हुकूमत का बायकॉट करके उसके सफीरों को मुल्क बदर कर दे। शाहिद आफरीदी और अजहर अली के भी रोहिंग्या मुसलमानों की हिमायत में ट्वीट। दहशतगर्द तंजीम अंसारुल शरिया के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन। कराची में गुज़श्ता रोज मुकाबले के बाद फरार हो जाने वाले दहशतगर्द अब्दुल करीम के घर से दर्जन भर लैपटॉप टैबलेट्स और 20 से ज्यादा यूएसबी ड्राइव्स बरामद। डेटा डीकोड किया जा रहा है। दहशतगर्दी में आला तालीम याफ्ता अफराद के मुलव्वस होने पर कराची यूनिवर्सिटी के तुलबा के रिकॉर्ड की तस्दीक पुलिस से कराने की तजवीज। एकेडमिक काउंसिल की मंजूरी पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। एनडी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ाने का फैसला। मौजूदा चैलेंजर्स के खिलाफ पॉलिसी पर सोच विचार के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करे। आलमी बरादरी के साथ तआवुन जारी रखेंगे। मुल्क के मुफाद का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वजीर खाजा ख्वाजा आसिफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान के दुश्मन जान लें कि उनका बारूद और गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर पाक फौज के जवानों की छातियां कम नहीं होंगी। आर्मी चीफ का पैगाम। यौम दिफा और यौम शोहदा की मरकजी तकरीब कल GHQ में शाम 8 बजे होगी। पिशावर में फुल ड्रेस रिहर्सल। कमांडोज ने मार्शल आर्ट के जौहर दिखाए। क्वेटा में भी जंगी साजो सामान की नुमाइश। NA-120 पर जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले पर सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के पेश न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम। कहा हुक्मरान जमात ने जाब्ता अखलाक को मजाक बना रखा है। 7 सितंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। ईद कुर्बा के बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की गलियों और सड़कों पर ताफुन से अवाम का जीना दोभर। सफाई की अबतर सूरत हाल पर वजीर आला सिंध बरहम। कहा कल ओपोजिशन लीडर के घर गया, इलाके में सफाई नहीं थी। DC बस्ती को कहने के बावजूद कोई काम होता नजर नहीं आया। MD वाटर बोर्ड को आज यूसुफ गोट से पानी निकालकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अगस्त में महंगाई की शरह में 0.19% इजाफा हुआ। प्याज के निरखों में 34, टमाटर के निरखों में 26 और चीनी के निरखों में
7% اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کی افراط زر پر بریفنگ.